welcome to the world this week. week three key highlights. Hai. usa approves missile sales to india. world economy will shrink by 3% by imf. india changed fdi rules to contain china. rbi announced tltro 2.0. south korea elections and north korea updates. political updates from bangladesh and libya. is this an end of oil war? वर्ल्ड हेरिटेज डे एंड कोविड नाइनटीन अपडेट्स एंड इंडियन गवर्नमेंट कंटेनमेंट प्लान यूएस अप्रूव मिसाइल सेल्स टू इंडिया प्रेसिडेंट ट्रंप एंड सैनेट ने इस हफ्ते इंडिया को वन फिफ्टी फाइव मिलियन वर्थ की मिसाइल सेल्स की मंजूरी दे दी इंडिया ने इस अमाउंट के अंदर दो तरह की मिसाइल्स खरीदी हैं एक है हाथपुर्ण मिसाइल जो कि एक एयर से लॉन्च मिसाइल है जो एंट्रीशिप मिसाइल कही जाती है और दूसरी है टॉर्पिडो लाइटवेट मिसाइल जो कि अंडर वाटर मिसाइल है सबमेरिन के थ्रू किसी शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होती है इससे इंडिया की कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ने वाली है लास्ट टेन ईयर्स से इंडिया और यू के बीच में मिलिट्री एग्रीमेंट्स और कॉपरेशन काफ़ी बढ़ता जा रहा है अब तक इंडिया ने अमेरिका के साथ फोर एग्रीमेंट्स किए हैं ये एग्रीमेंट्स हैं जी एस जो 2003 में हुआ था जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट 2017 में इंडिया का और यूएसए का लिमुआ एग्रीमेंट हुआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट थर्ड 2018 में कॉम का एग्रीमेंट हुआ कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट जिसमें ड्रोन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी की कंपैटिबिलिटी के बारे में सारा एक्सचेंज हुआ और 2019 में बेका एग्रीमेंट हुआ बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट जिसमें यूएस और इंडिया आपस में इंटेलिजेंस शेयर करेंगे और साथ में जितना भी बाकी जियो सेटेलाइट सर्वे और इन्फॉर्मेशन है उसको भी आपस में एक्सचेंज करेंगे सो so फॉर इंडिया और अमेरिका ने टू प्लस टू एक एग्रीमेंट भी किया है जहाँ पर टू सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ अमेरिका और इंडिया हर साल आपस में बातें करेंगे और फर्दर कॉपरेशन कैसे स्ट्रेंथन करें उसके बारे में डिस्कशन हुआ साथ में इंडिया और यूएसए ने लास्ट ईयर एक ट्राई सर्विसेज आर्मी नेवी और एयरफोर्स का एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी किया था जिसका नाम था टाइगर ट्रंप जीडीपी फोरकास्ट बाय आईएमएफ दिस वीक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दुनिया को वॉर्न किया है दैट वर्ल्ड इकोनॉमी इज ऑलरेडी इन रिसेशन आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ जो इंडियन ऑरिजन से हैं she has warned to the world that because of this corona global pandemic world ka jo great lockdown hua hai agar ye june tak chala to world is going to face the biggest recession of the century उन्होंने वॉर्न किया है कि इस साल पूरे ग्लोबल इकोनॉमी जो है तीन परसेंट तक गिर सकती है बजाय growth होने के यहीं पर जो developed countries हैं उनकी GDP 6% सिक्स परसेंट तक गिर सकती है और अगर ये लॉकडाउन जून की जगह पर अक्टूबर तक चला तो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है इट माइट गो डाउन बाय नाइन परसेंट जहाँ तक इंडिया का सवाल है आईएमएफ ने कहा है कि इंडिया की जीडीपी जो लास्ट ईयर फोर पॉइंट टू परसेंट थी उसके इस साल वन पॉइंट नाइन परसेंट होने के चांसेस हैं ये जी की ग्रोथ रेट जो हमारी कम हुई है बाय टू 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 एंड उसकी वजह से इंडिया अंदर 4 के अंदर तकरीबन चार से पाँच करोड़ जॉब्स के लॉस होने के नुकसान हैं इंडियन जी को इस कोरोना ग्लोबल पैंडमिक की वजह से करीब करीब सत्रह से अठारह लाख करोड़ का नुकसान होगा और जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो वन से 2 परसेंट रहने के अनुमान हैं ये साथ में यही वार्निंग वर्ल्ड बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक और बाकी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं मूडीज़ उन्होंने भी यही बात को रिपीट किया है इंडिया चेंज एफडीआई रूल्स टू कंट्रोल चाइना जैसा कि आप देख सकते हैं इस हफ्ते खबर आया कि चाइना की जो बैंक है पीबीओसी उसने एच बैंक के अंदर एक परसेंट शेयर्स मार्च के महीने में खरीदे मार्च में जहां पर स्टॉक मार्केट वर्ल्ड में 50 से 60 परसेंट गिरा और शेयरों के दाम करीब करीब 60 से 70 परसेंट तक गिरे उसी का फ़ायदा उठाते हुए चाइना जो कि करीब फोर्टी बिलियन डॉलर के फॉरन एक्शन रिजर्व में बैठा हुआ है ये माना जाता है कि चाइना इस क्राइसिस सिचुएशन का क्राइसिस का जो टाइम चल रहा है उसका फ़ायदा उठाना चाहता है और दुनिया भर में जितनी भी कंपनियां हैं उनके अंदर अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाकर वहाँ के मालिक बनना चाहता है ऐसा ही उसने एक अटैम्प्ट इंडिया में किया जहाँ पर एच डी बैंक के अंदर जिसके शेयर करीब करीब चालीस गिरे थे उसके अंदर इमीडिएटली एक की उन्होंने शेयर होल्डिंग खरीद ली इस खतरे को देखते हुए कि अगर ये चाइनीज कंपनियां इंडिया में आकर अपना मालिकाना हक हमारे कंपनियों में करें उसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल्स चेंज किए हैं ये रूल जो है एफ पॉलिसी 2017 में चेंज किया गया है टू प्रिवेंट अपॉर्चुनिस्टिक एक्विजिशन ऑफ इंडियन कंपनीज़ ड्यू टू कोविड 19 क्राइसिस उसके लिए गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड एफ पॉलिसी 2017 नाउ ये एफ क्या होता है इसके बारे में जस्ट क्विक नोट लेते हैं एफ के दो पार्ट हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2017 के हिसाब से इसके दो रूट्स हैं एक होता है ऑटोमेटिक रूट अगर कोई फॉरेन कंपनी किसी भी इंडियन कंपनी के अंदर 10 परसेंट से कम शेयर खरीदती है तो वो डायरेक्टली मार्केट से शेयर उठा सकती है जिसे ऑटोमेटिक रूट कहा जाता है ये पहले विदाउट एनी गवर्नमेंट अप्रूवल कर सकते थे बट अभी गवर्नमेंट ने इस रूल को चेंज किया है कि अगर हमारे इंडिया के आसपास कोई भी नेबरिंग कंट्री हैं अगर वहां से कोई कंपनियां इंडिया की कंपनीज में शेयर खरीदना चाहती हैं तो उनको गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा तो उनको ये ऑटोमेटिक रूट नहीं अवेलेबल है वेर दूसरा ऑप्शन था अगर किसी कंपनी को 10 परसेंट से ऊपर शेयर खरीदने हैं तो उनको गवर्नमेंट का एक बोर्ड है एफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बोर्ड वहाँ से उनको परमिशन लेनी होती थी एक और बात जो आपको मालूम होना चाहिए द डिफरेंस बिटवीन एफ एंड एफ पी एक फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ जो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है किसी फिजिकल असेट्स में होता है फॉर एग्जाम्पल चाइना की कंपनी शाओमी ने तिरुपति में चार बिलियन डॉलर का टीवी और मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए प्लान सेटअप किया इसमें एक नए जॉब्स भी इंडिया को मिलते हैं नई टेक्नोलॉजी मिलती है और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है एक होता है फॉरेन पॉलिसी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफ एफ क्या होता है कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी जैसे एसडीएफसी थी वहां पर बाकी कंपनी आई और उसने कुछ शेयर खरीद लिए शॉर्ट टर्म के बेनिफिट के लिए तो जो एफ के जो रोल्स हैं उसको चेंज किया गया है इस वीक आर बी आई this week इस हफ्ते नीति आयोग एंड जैपनीज इन्वेस्टमेंट फर्म नोमरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया की जीडीपी जो तो लगभग सत्रह तो से अठारह लाख करोड़ रुपए तक गिरने वाली है इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट को करीब अठारह लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी टू टैकल दिस कोरोना क्राइसिस जैसा कि आप जान सकते हैं जानते हैं कि आईएमएफ ने हमारे यहाँ पर पाँच करोड़ जॉब लॉस का एक अनुमान लगाया है और इंडियन जीडीपी के अंदर अगर अठारह लाख ,00 करोड़ रुपये का करीब दस परसेंट ऑफ जी के आसपास अगर डेंट पड़ता है तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा अठारह लाख करोड़ रुपये चाहिए उसमें से करीब पाँच लाख करोड़ रुपए के पैकेज के अनाउंसमेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लास्ट मंथ में कर दिए थे जैसा कि मैंने वीक वन और वीक टू की वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट ने एक वन पॉइंट सेवन लैख करोड़ का पैकेज दिया है फॉर पुअर्स और उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए लास्ट वीक आर ने भी अपनी मॉनिटरी पॉलिसी में जो मैंने वीक टू की वीडियो में बताया था कि अपना थ्री पॉइंट करोड़ का पैकेज दिया था उसी के अंतर इन कंटिन्यूशन विद दैट दिस वीक आर ने टी एल टी आर ओ टू पॉइंट ओ का अनाउंसमेंट किया है आइए उसके कुछ फीचर्स के बारे में जानते हैं टी एल टी आर ओ वन पॉइंट ओ में जहां पर बिग कारपोरेट्स को हेल्प देने के लिए अरेंजमेंट किया गया था एक लाख करोड़ का टू पॉइंट ओ के अंदर जो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज होती हैं और उनको बेनिफिट देने के लिए सारे प्रोविजंस किए गए हैं तो आइए जानते हैं क्या क्या प्रोविजंस उन्होंने किए हैं फर्स्ट प्रोविजन जो आरबीआई ने अनाउंस किया है कि उन्होंने रिवर्स रेपो रेट को पच्चीस बेसिस पॉइंट कम कर दिया है लास्ट पॉलिसी जो मार्च का आया था वहां पर रिवर्स रेपो रेट फोर परसेंट था जो अब थ्री पॉइंट सेवन परसेंट थ्री पॉइंट सेवन फाइव परसेंट हो जाएगा वहीं पर आपको याद होगा रेपो रेट लास्ट टाइम आर ने कम किया था बाय सेवेंटी फाइव बेसिस पॉइंट तो ये रिवर्स रेपो रेट होता क्या है आप जान सकते हैं कि जो बैंक होती हैं उनके पास हम एवरीडे सेविंग्स का पैसा डालते हैं बैंक्स के पास ये पैसा होता है लोगों को लोन देने के लिए अगर वो पैसा लोगों के पास नहीं पहुंचा है लोन के फॉर्म में तो वो खाली पैसा जो पड़ा है उनके पास कैन पार्क दिस फंड शॉर्ट टर्म्स के लिए आर को आर उस पर इंटरेस्ट देता है दे, देता है जो पहले चार परसेंट था वो अब कटकर कर हो जाएगा इस तरीके से बैंक्स अपना कॉस्ट ऑफ फंड्स मैनेज करते हैं उनको अब एक डिसइंसेंटिवाइज किया गया है कि बजाय आप RBI को पैसा पार्क करने के आप आपके पास जो पैसा है उसको लोन फॉर्म में पब्लिक को दो ताकि पब्लिक में लोन जाएगा तो इंडस्ट्री खुलेगा जॉब्स खुलेंगे और फर्दर इकोनॉमिक्स बूस्ट मिलेगा तो फर्स्ट वॉज रेपो रेट का डिक्रीज रिवर्स रेपो रेट का सेकेंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि उन्होंने एक लाख करोड़ रुपए का टी, ल, टी जो फंड था उसमें से कुछ पैसा लगवेट किया है पचास हज़ार करोड़ के आसपास टू एन जिसमें आर ने डायरेक्ट बोला है एन के लिए कि आपको ये पचास हज़ार करोड़ रुपये सीधे सीधे मीडियम एंड स्मॉल साइज इंडस्ट्री को देने हैं जिसमें तकरीबन पच्चीस हज़ार करोड़ रुपये नाबार्ड को दिए गए हैं मीडियम साइज़ इंडस्ट्री को लोन देने के लिए पंद्रह हज़ार करोड़ रुपये सिडबी को दिए गए हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लोन देने के लिए और दस हज़ार करोड़ रुपये नेशनल हाउसिंग बैंक को दिए गए हैं रियल एस्टेट सेक्टर में जो स्टॉल प्रोजेक्ट्स हैं उनको दोबारा से चलाने के लिए तो तकरीबन पचास हज़ार करोड़ का ये पैकेज आया है और एडिशनल पचास हज़ार करोड़ रुपए फर्दर बैंक्स को एक लैंड करने के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको साठ एक्स्ट्रा पैसा ओवर के थ्रू बोरो करने के प्रोविजन्स रखे हैं और एक और पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है जिसे बोला जाता है एलसीआर जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो होता है उसको भी ब्रॉड डाउन कर दिया है फ्रॉम 100 परसेंट टू 80 परसेंट ट्वेंटी परसेंट कम कर दिया है ये एल क्या होता है एग्जाम परपज से भी आपको इंपॉर्टेंट है ये एल सी आर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो होता है जब बैंक को अपने एक महीने के खर्चे के बराबर का पैसा अपने पास कैश में हमेशा रखना होता है पहले ये पैसा एक महीने या तीस दिन के बराबर रखना होता था अब उसको घटाकर 20 परसेंट कम कर दिया गया है तो बैंक को सिर्फ 24 दिन के बराबर का पैसा ही रखने की उन्होंने अलाउ कर दिया है दैट मीन्स बैंक जो बाकी जो पैसा है उसको फर्दर लोन दे सकते हैं और ये बिलीव किया जाता है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर इस डाउन से करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपए फर्दर पब्लिक को लोन देने के पॉसिबिलिटी है ज्यादा लोन का मतलब मोर इंडस्ट्री मोर जॉब्स और इकोनॉमी के अंदर एक तरीके से इंजेक्शन जान फूकने के लिए बात है तो अस सी हाउ द होल थिंग फर्दर इवॉल्व लेट्स डिस्कस कोरिया के बारे में दिस वीक कोरिया में इलेक्शंस हुए इट इज़ द फर्स्ट कंट्री जहां पर ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक क्राइसिस इलेक्शंस हुए हैं प्रेसिडेंट मून ऑफ रूलिंग डेमोक्रेटिक पार्टी वन दिस इलेक्शन ही गॉट वन सीट्स आउट ऑफ थ्री हंड्रेड क्लियर कट मेजोरिटी उनको मिला है तो so, जैसा मैंने बताया साउथ कोरिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू होल्ड नेशनल इलेक्शन अमंग कोविड 19 पेंडेमिक क्राइसिस यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज भी ऑलमोस्ट 66 परसेंट पड़ा इट इज़ लाइक वन ऑफ द हाइएस्ट वन इन द करेंट लास्ट ट्वेंटी ट्वेंटी ईयर्स के इलेक्शंस में साउथ कोरिया सो फार इज लार्डली एबल टू कंटेन कोविड नाइन्टीन तो उसको एक सक्सेस स्टोरी माना जा रहा है वाइल साउथ कोरिया में एक इलेक्शन हो रहे थे उधर एक कंट्री जो इस अटेंशन को मिस कर रहा था वो था नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उंग ने एक मिसाइल का परीक्षण किया द टेस्ट फायर्ड एंड एंटी शिप मिसाइल आफ्टर दिस इलेक्शन तो अगेन एज़ यूजल सेम कंट्रोल थी वहाँ रहा uh, आपको ये मालूम होना चाहिए कोरिया का डिवीज़न 1945 में वर्ल्ड वॉर टू के बाद हुआ ऑलमोस्ट सिक्स सेवन ईयर्स तक वहाँ पर झगड़ा चलता रहा और एक प्रॉपर uh, वॉर हुआ है बिटवीन 1950 फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री कोरियन वॉर कोरियन वॉर के बाद uh, उनके मिडल में एक थर्टी एट डिग्री पैरल पर जो एक लाइन खींचा गया और उसी के बाद नॉर्थ और साउथ कोरिया को डिवाइड किया गया नॉर्थ कोरिया वेयर इट बिकेम कम्युनिस्ट कंट्री और उसको सपोर्ट था रशिया और चाइना का वेयर इन साउथ कोरिया बिकेम अ कैपिटलिस्ट कंट्री विद द हेल्प ऑफ अमेरिका एंड जापान सब्सिक्वेंटली दोनों कंट्रियों में आपने देखा नॉर्थ कोरिया जहाँ गरीब रहा साउथ कोरिया कैप्ट ऑन गेनिंग द डेवलपमेंट और उसको पैसा मिला और काफ़ी कुछ उसने ग्रोथ की तो एक डेवलप कंट्री बन गया uh, तब से वहाँ पर झगड़ा चल रहा है फॉर यूनिफिकेशन एंड नॉर्थ कोरिया वॉन्ट्स टू यूनाइट साउथ कोरिया और दैट इज वाई देंशन आरिंग फ्रॉम लास्ट सिक्सटी सेवेंटी ईयर्स नाइनटीन आई मीन इफ आई लुक एट टू थाउजेंड एटीन में यू एस प्रेसिडेंट ट्रंप ने इमजोंग ऊन जो प्रेसिडेंट हैं नॉर्थ कोरिया के उनके साथ पीस टॉक स्टार्ट किए हैं सो वी आर वेटिंग फॉर दैट पीस टू स्टेब्लिश इन द नियर फ्यूचर ने क्विक अपडेट्स ऑन आर नेबर कंट्री बांग्लादेश एंड कंट्री इन अफ्रीका लीबिया, बांग्लादेश हैंग अब्दुल मजीद वन ऑफ़ द ग्रुप लीडर ऑफ आर्मी ऑफिसर किल्ड देर फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान इन नाइनटीन तो बंग्लादेश के जो फाउंडिंग फादर को मारने वाले ग्रुप में एक पर्सन था बाकी लोग मारे गए थे बट एक पर्सन जो इंडिया में छुपा हुआ था नाइनटीन से उसको इस साल पकड़ा गया और फाइनली इंडिया ने जब उसे डिपोर्ट किया तो बांग्लादेश ने एक ट्रायल किया वहाँ पर उस फाइनल क्रिमिनल को अब्दुल मजीद को हैंग कर दिया गया है ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ़ मर्डर इन एप्सेंशिया इन नाइनटीन एंड हैज़ बीन हाइडिंग इन इंडिया इन कोलकाता जो करेंट प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना वाजिद इज़ अ डॉटर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान जो फाउंडिंग फादर थे फ्रॉम बांग्लादेश अस मूव टू अनदर कंट्री लीबिया लीबिया जिसे वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री माना जाता था पिछले 50 साल में इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट लिबिया को बेसिकली एक डिक्टेटर थे ममर गद्दाफी जिन्होंने 1969 से इस कंट्री को कंट्रोल किया हुआ था टिल 2011 तक तो तकरीबन 42 टू ईयर्स तक ग, ही कंट्रोल्ड थ्रू डिक्टेटरशिप कर्नल गद्दाफी के ऊपर एक मूवी बनी है द डिक्टेटर जहाँ पर आपने उस उनके एक कैरिकेचर एक कैरेक्टर को देखा होगा सेम लीबिया जो कि एक ऑयल रिच कंट्री था वो एक रशिया का सपोर्टर था और अमेरिका का विरोधी था अपोजिशन में रहता था बिकॉज ऑफ दैट पार्ट अमेरिका ऑलवेज वॉन्टेड टू क्रिएट अ डिस्टर्बेंस ओवर अदेयर सो वी फाउंड दैट आफ्टर 2011 जब अमेरिका की सपोर्ट से करल गद्दाफी को वहाँ पर मार दिया गया और जो रिबेल ग्रुप है उन्होंने वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की तो वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स वेरियस कंट्री की सपोर्ट से आपस में लड़ने आ गए एंड 2011 से वहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है लीबिया एट दिस मोमेंट ऑलमोस्ट काफ़ी सारे टुकड़ों में टूट चुका है पिछले दो साल से यूनाइटेड नेशंस ने इंटरवीन करके वहाँ पर एक यू एन बैक्ड गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड जी एन ए की है जिसके लीडर हैं फईद सराज उसी के विरोध में जो कर्नल गद्दाफी के पुराने सोल्जर्स थे उन लोगों ने मिलकर भी इजिप्ट और यूनाइटेड अरब एमरेट्स के सपोर्ट से एक आर्मी बनाई हुई है जिसके लीडर हैं हफ्तार तो जनरल हफ्तार और सईद फराज में ये लड़ाई दो साल से चल रही है फ्रांस के इंटरवेंशन से जनवरी के मंथ के अंदर यहाँ पर एक सीज़ फायर हुआ था बट ये सीज़ फायर कोविड कोविड-19 के फैलने के बाद एक्सपेक्ट किया रहा था कि ये हॉल्ट हो जाए बट अभी अभी खबरें आई हैं कि वहाँ पर उन दोनों ग्रुप्स में फाइट अगेन स्टार्ट हो गई है जहाँ पर ईस्टर्न पार्ट जो है वो हफ्तार जो है इजिप्ट के बैक् के बैकिंग से वो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है वेस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पर यूएन एन बैक्ट आर्मी ने कंट्रोल किया हुआ है तो कीप एन आए ऑन लीबियन वॉर यहाँ पर आपको याद होगा दैट 2011 में अमेरिकन एम्बेसडर को बेन गाजी में मार दिया गया था जो हफ्तार की फोर्सेस थी जो अलकायदा के सपोर्ट से अमेरिकन जो सी आई एजेंट्स थे और एम्बेसडर थे वो एक जगह छुप कर लोगों को सपोर्ट कर रहे थे गद्दाफी को मारने के लिए उस वक़्त उन टेररिस्ट ने वहाँ के एम्बेसडर तक को किल कर दिया था तो बेन गाज़ी आपको याद रखना चाहिए और कैपिटल ऑफ लीबिया जो है ट्रिपोली है तो राइट नाउ अभी ट्रिपोली पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है वीक वन में डिस्कशंस ऑफ ऑयल एंड ओपेक के बाद आइए अब बात करते हैं इज दिस द एंड ऑफ ऑयल वॉर सऊदी अरेबिया एंड रशिया एंडेड देयर ऑयल प्राइस वॉर एग्रींग टू अ डील दैट विल सी ओपेक प्लस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कट आउटपुट बाय 9.7 मिलियन बैरल्स पर डे ओवर द नेक्स्ट टू मंथ्स ये मैं ऑलरेडी आपको वीक वन और वीक टू के अपडेट्स में शेयर कर चुका हूँ दिस कट इज इक्वलन टू टेन ऑफ ग्लोबल सप्लाई दे विल बी स्मॉलर कट्स देयर आफ्टर जो अगले दो साल में होंगे द रैली इन ऑयल मार्केट दैट उस जो हुई रैली राइस कट होने के बाद दैट ग्रीटेड द अनाउंसमेंट सोन वो फिजल आउट हो गई है जो ऑयल के प्राइस फिर से थर्टी डॉलर से गिर कर आज सोलह डॉलर पर आ गए हैं जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है दैट फोरकास्ट किया है दैट द ग्लोबल डिमांड ऑफ ऑयल विल फर्दर फॉल बाई नाइन टू टेन परसेंट इन नेक्स्ट सिक्स मंथ्स तो इट बिकॉज ऑफ दैट पार्ट जो ऑयल का जो ओवरऑल रेट है वो फर्दर गिरने के भी ज़्यादा चांसेज हैं करंट अप्रैल का जो महीना है 2020 का इट इज़ कंसीडर्ड एज द ब्लैक अप्रैल इन द हिस्ट्री ऑफ ऑयल इंडस्ट्री यूएस में ऑलरेडी 250 फिफ्टी रिक्स बंद हो गए हैं वहाँ की इंडस्ट्री जो ऑयल इंडस्ट्री जहाँ पर टेक्स ओहायो पेंसिल्वानिया और बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर जो ऑयल डिपेंडेंट लोग हैं और इंडस्ट्री है वो बहुत मेजर सफ़र कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ राइज हो गया है और इसका इफेक्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प के इलेक्शन पर भी हो सकता है सो कीप एन आई ऑन ऑयल इंडस्ट्री आइए अब बात करते हैं एटीनथ अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया इट इज सेलिब्रेटेड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डाइवर्सिटी हेरिटेज एंड वलरेबिलिटी ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड हेरिटेज साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो होती हैं वो मैन मेड एरियाज और नेचुरल एरियाज जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं एंड रिक्वायर स्पेशल अटेंशन उनको ये दर्जा दिया जाता है इस साल का जो थीम था वो था शेयर्ड कल्चर हेरिटेज एंड रिस्पांसिबिलिटी इसको दर्जा को हेरिटेज डे को देने का जो दर्जा है बेसिकली वो एक संस्था है आईकोमोस विच इज़ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मोन्यूमेंट साइट वो उस दिन इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसके लिए ही ये वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है आईकोमोस यूनेस्को जो यू की संस्था है उसकी थ्री एडवाइजरी बॉडीज़ का में से एक बॉडी है बाकी दो बॉडीज जो एडवाइजरी हैं वो हैं आई यू सी एन एंड आई सी सी आर ओ एम यूनेस्को एज़ यू नो 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था इसका हेड क्वार्टर पेरिस में है और ये वर्ल्ड में हेरिटेज की जो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं वो डिक्लेयर करते हैं इंडिया में अब तक 38 साइट्स को यूनेस्को हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया है आउट ऑफ 38 हेरिटेज साइट 30 साइट कल्चरल साइट्स हैं सात साइट नेचुरल साइट्स हैं और एक साइट मिक्स मिक्स यानी कल्चरल प्लस नेचुरल एक ही जगह जो माउंट कंचन जगह है उसको स्टेटस दिया गया है 2018 में जहाँ पर थर्टी साइट इंडिया में मुंबई का विक्टोरिया गोथिक बिल्डिंग जो था उसको ये दर्जा मिला तो लास्ट ईयर 2019 में यूनेस्को ने थर्टी साइट जो इंडिया में टिक्लियर की वो जयपुर का फोर्टिफाइड सिटी था लेट्स डिस्कस कोविड 19 अपडेट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटेनमेंट प्लान सो फार टिल डेट वर्ल्ड में अब तक 24 लाख पीपल इन्फेक्टेड हो गए हैं एंड मोर देन वन लैख सेवेंटी थाउजेंड लोगों की डेथ हो गई है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड अमेरिका में पाए गए विद मोर देन सेवन लैख पीपल सो फार और वहाँ पर मरने वालों की संख्या चालीस हजार को क्रॉस कर गई है इंडिया में भी कोरोना क्राइसिस जो है वो काफ़ी अब एक्यूट हो गया है टोटल नंबर ऑफ इफेक्टेड जो पी पीपल हैं इन्फेक्टेड वो सत्रह हजार हो गए हैं और इंडिया में भी मरने वालों की संख्या पाँच सौ क्रॉस कर गई है एवरी डे ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं सो वी नीड टू नेक्स्ट टू वीक्स को हैं इंडिया के लिए काफ़ी क्रिटिकल होंगे नाउ लेटे डिस्कस कि इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन प्लान अभी लिए हैं तो इनिशियली आपने देखा होगा इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल के फर्स्ट वीक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंटेनमेंट प्लान बनाया था कोविड नाइन्टीन को कंट्रोल करने के लिए टू कंटेन लार्ज आउटब्रेक्स उन्होंने एक प्लान बनाया था जी क्यू एस जिसे बोलते हैं जोग्राफिक क्वारंटाइन स्ट्रेटेजी उसके अंदर गवर्नमेंट ने इंडिया के जोग्राफ़ी को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था हॉटस्पॉट्स नॉन हॉटस्पॉट्स एंड ग्रीन जोन हॉटस्पॉट जो सबसे क्रिटिकल एरियाज थे उसमें से 170 ज़िले जो थे डिस्ट्रिक्ट थे उनको हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया था जिसमें से 123 डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही मेजर आउटब्रेक हुए थे और 47 जिले के अंदर जो छोटे क्लस्टर होते हैं वहाँ पर ये आउटब्रेक्स हुए थे 15 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इस एक्सटें लॉकडाउन को दोबारा से एक्सटेंड किया तो ये दोबारा से एक नया वर्जन कंटेनमेंट प्लान का आया है जिसके अंदर अब एक सिनेरियो बेस्ड अप्रोच फॉलो की गई है इसके अंदर जो जी क्यू एस प्लान था जोग्राफिक क्वारंटाइन स्ट्रेटजी उसको तो फॉलो किया ही जा रहा है साथ में कुछ और स्टेप्स को ऐड किया गया है फॉर एग्जांपल जो दवाई थी एच सी क्यू हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन इट विल बी गिवन टू ऑल असिमटोटिक हेल्थ uh, केयर जो वर्कर्स हैं उनको पहले से ही वो मेडिसिन दी जाएगी सोशल डिस्टेंसिंग जो है विद स्ट्रिक्ट पेरीमीटर कंट्रोल दोबारा से कर दी गई है मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड नाउ इन वेरियस कंटेनमेंट जोन्स में जो व्हीकल्स भी आएंगे आउट ऑफ कंटेनमेंट जोन उनको भी डीकंटेमिनेट करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन का से उसको डिकन्टेमिनेट किया जाएगा और इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग की एक पूल स्ट्रेटजी भी गवर्नमेंट ने फॉलो की है साथ साथ आप देखेंगे कि ये टेस्ट की बहुत बातें हो रही हैं तो एक क्विक अपडेट लेते हैं कि कोविड में किस तरह की टेस्टिंग स्ट्रेटजी फॉलो की जा रही है दो टेस्ट काफ़ी पॉपुलर नाम जो आए हैं एक तो है आर और दूसरा है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट तो इसके बारे में एक क्विक अपडेट लेते हैं आर होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पोलिमराइज चेन रिएक्शन ये एक लैब टेक्निक है जहां पर डी एन इज एम्प्लीफाइड एक्सपोनेंशियली, विच रिवर्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डी एन ए कोड इट यूज इन अर्ली स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग डी एन ए सिक्वेंसिंग फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ अ जीन टू हेल्प आइडेंटिफाई पैथोजेंस तो ये एक पैथोजेंस जो होते हैं वायरस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इनिशियल स्टेज में यूज़ किया जाता है हाउवर ये टेक्निक काफ़ी इफेक्टिव अभी तक नहीं हुई है ये एक जस्ट वन ऑफ द टेस्ट जो वर्ल्ड में यूज़ हुआ है हमने इनफैक्ट इवन चाइना से सात लाख किट्स अभी इम्पोर्ट की थी इस टेस्ट के अंदर करीब करीब चार से छः घंटे लगते हैं इसकी कॉस्ट भी काफ़ी फोर्टी पर टेस्ट आती है इसमें काफ़ी मशीन्स लाखों की यूज़ होती हैं वेरेंट इसकी बट इसमें आजकल कोविड नाइन्टीन में ये पाया गया है कि फर्स्ट एट डेज में जरूरी नहीं है कि पेशेंट को वो वाले सिम्टम्स पाए जाएँ कई सारे पेशेंट्स के अंदर सिम्टम आठवें दिन के बाद निकल रहे हैं इसलिए अगर पहले इस टेस्ट को पहले आठ दिन किया जाता है तो वहाँ पर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो एंड ऐसे वाले पेशेंट्स को असिमटोटिक केस बोला जाता है ना हुआ ये है कि एक पेशेंट जो आठवें दिन के बाद उसमें इलेक्शन पाए जाते हैं उसके अंदर बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो इन एंटीबॉडीज़ को आइडेंटिफाई करना काफ़ी इजी है इसके लिए एक अनदर टेस्ट जो पॉपुलर हुआ है वो हुआ है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट आईसीएमआर हैज़ रिलीज एन इंटरिम एडवाइजरी टू द यूज़ ऑफ रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट फाइव थाउजेंड फाइव लैक किट्स चाइना से अभी भी इंपोर्ट की गई हैं एंटीबॉडीज़ आर फॉर्मड आफ्टर एट डेज व्हेन अ पर्सन इज इन्फेक्टेड इंडिया विल कंटिन्यू दिस आर टी पी सी टेस्ट जो डी एन होता है टू डिटेक्ट कोविड हाउ जब ये टेस्ट निगेटिव होता है तो गवर्नमेंट इज एडवाइजिंग टू गो फॉर एंटीबॉडी टेस्ट जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है आफ्टर सेवन डेज सेवन डेज टू जस्ट मेक श्योर डेट कि उसको हम प्रॉपर जो वायरस से इफेक्टेड लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके हैं साथ साथ बहुत सारे गवर्मेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी काफ़ी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं जैसे आपने देखा होगा कि हमारे डी ने एक कंटेमिनेशन uh, के लिए बॉक्स डीकंटेमिनेट करने के लिए बॉक्स बनाया है हमारे सी एस आई आर जो uh, संस्था है साथ में एन ए एल नेशनल हेबर लिमिटेड उन्होंने मिलकर एक पर्सनल प्रोटेक्टिव कवरऑल सूट बना लिया है पूसा जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने भी एक डी कंटेमिनेशन टनल बनाए हैं जैसे मैंने बताया था डी uh, ने एक कोविड 19 डिसइंफेक्शन टेस्ट यूनिट भी बना लिया है और एक ये अल्ट्रा वायलेट सैनिटेशन बॉक्स बनाए हैं तो कई सारे नई नई मशीनरीज डेवलप हो रही हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने जैसे मैंने बताया था लास्ट वीक में वेंटिलेटर्स बनाने का ऐलान किया है साथ में एक और न्यूज़ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग निकल के आ रही है वो जापान से निकल के आ रही है इंडियन साइंटिस्ट ने जापनीज जापान में क्यूटो शहर में जापनीज के साथ मिलकर एक नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है विद हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिस कैन बी यूज एज सर्वेलेंस टूल इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके सॉफ्टवेयर में एक्सरेज का डेटा साथ में कम्बाइंड किया गया है टू डिटेक्ट कोविड केसेज इन द इनिशियल स्टेज तो होपफुली अगर ये मशीन आ जाती है तो ये बहुत ईजी होगा एक मरीज को आइडेंटिफाई करना इन द इनिशियल फेजेस तो बहुत सारे मेडिकल अपडेट्स हो रहे हैं वैक्सीन्स के ऊपर भी दवाइयों के ऊपर भी और मशीन्स के ऊपर भी आई विल कीप ऑन गिविंग यू अपडेट्स ऑन वीक ऑन वीक बेसिस टिल दैन See you, bye-bye.